तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर कंटेम्प्रेरी आर्ट हम कैसे बना सकते हैं, वो भी इजीली। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता कंटेम्प्रेरी आर्ट होता क्या है, तो आपको एक ऊपर एक कार्ड दिख रहा होगा, आपको क्लिक कर अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उसको समझ जाओगे कि मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको पता तो है कंटेम्प्रेरी आर्ट होता क्या है, बट उनको बनाने नहीं आती है। लेकिन गाइस, जब वो बनाते हैं तो वो एकदम हाई लेवल पे बनाते हैं, वो सोचते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होती है वो बहुत हाई लेवल पे बनती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल सी पेंटिंग बनाऊँगा लॉर्ड गणेशा की, उसमें मतलब कंटेम्प्रेरी टेक्निक यूज़ करके, तो वो कैसे मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी गाइस, हमारे पास एक सिंपल सा पेज है और ये पेज है लोटस का 140 GSM का। आप चाहे तो इससे भी हाई लेवल का पेज यूज़ कर सकते हो, बट हम ये पेज यूज़ करेंगे क्योंकि ये पेज काफ़ी सॉफ्ट मतलब सही भी रहता है और अभी तो खैर प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी सही है। तो सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ एकदम हल्के हाथों से, जैसे कि आप देख सकते हो, और आप चाहो तो डार्क आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये तो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसी मर्ज़ी आउटलाइन आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस, फाइनली आप देख सकते हो कि गणेशा जी की हमारे पास जो आउटलाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है, बट अभी लगेंगे देखने में नहीं। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कटआउट ब्रश कुछ इस तरह का। सबसे पहले हम इसमें ब्राइट कलर्स यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं ब्लू कलर चूज़ कर रहा हूँ। तो ब्लू कलर में गाइस, मैं एकदम डार्क नहीं करूँगा, पहले एकदम लाइट करूँगा ताकि बाद में जो हम इसमें टेक्स्चर डालें वो उभर के दिखे। इसलिए तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से डार्क इस लाइट एरियाज पे आ रहा हूँ। उसके बाद गाइस, हम थोड़ा थोड़ा वाइट छोड़कर ऊपर करेंगे और पूरा इसको कर देंगे अच्छे से। बट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमें ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं, मतलब हमें ज़्यादा दबा के मतलब ये ब्रश नहीं चलाना है, या फिर बहुत बार एक ही चीज़ पे हमें ब्रश नहीं चलाना है, इससे जो पेज होता है वो उसका फटने का डर भी रहता है। और अब हम यूज़ करेंगे हल्के से ब्लैक के साथ ज़्यादा रेड, मतलब आपको ब्लैक से मतलब बहुत ही कम यूज़ करना है ताकि थोड़ा जो रेड कलर थोड़ा डार्क हो जाए, बस इसीलिए। और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का जो रेड है वो कलर इस तरह का है। और गाइस, आप ये कोशिश करना कि आप कहीं कहीं लाइट करें और कहीं कहीं डार्क करें, इससे गाइस आपकी जो पेंटिंग होगी कंटेम्प्रेरी वो और भी मतलब अच्छी दिखेगी, क्योंकि क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्ट में लोग टेक्स्चर देखते हैं, लाइट एरियाज देखते हैं, डार्क एरियाज देखते हैं, बट उनको इससे मतलब नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसी है, बस उनको और भी मतलब टेक्स्चर चाहिए होते हैं। बस आप कोशिश ये करना कि आप अपनी जो पेंटिंग है उसमें टेक्स्चर ज़्यादा से ज़्यादा ला सके, चाहे आप उसका फोम वाले ब्रश होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो टेक्स्चर लाने के लिए, बट अभी हम ब्रश का यूज़ करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो आप देख सकते हो गाइस, जो इनकी सूंड है वो पूरी तरह से अच्छे बन चुकी है। अब इसमें थोड़े से और डार्क एरियाज हम कर देंगे, बाकी सूखने के बाद इसमें और हम काम करेंगे। और जहाँ जहाँ मतलब पानी आपको लगे कि पानी कुछ ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पर आपको कलर ज़्यादा ले लेना है, तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। अब गाइस, हम डार्क येलो यूज़ करेंगे इसके लिए, थोड़ा मतलब ज़्यादा डार्क नहीं है ये, हमने इसमें थोड़ा पानी मिला लेना है ताकि ज़्यादा डार्क ना रहे। और गाइस, आप देख सकते हो कि हम ब्राइट कलर ही यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि ताकि मतलब जो हमारी पेंट, क्योंकि गाइस ब्राइट कलर्स अगर हम पहले यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड बाद में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो साफ निखर के आएगा। बट अगर हम डल कलर यूज़ करते हैं किसी ऐसी कंटेम्प्रेरी आर्ट में और बाद में डार्क ब्राइट बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, तो फिर हमारी जो डल पेंटिंग होती है वो छुप जाती है। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम पहले बैकग्राउंड करें या फिर पहले ऑब्जेक्ट करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बस अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो पेंटिंग है वो ब्राइट है तो बाद में बैकग्राउंड कर सकते हो, अगर आपकी जो पेंटिंग है उसके कलर्स डल है, मतलब जैसे हल्का नीला हल्का लाल अगर ऐसे कलर्स है, तो आपको बैकग्राउंड पहले करने की ज़रूरत है। तो अब देख सकते हो गाइस, मैं इसमें थोड़ा टेक्स्चर आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो इसमें थोड़ा रेड रेड मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये सिर्फ येलो ना दिखे। मैंने रेड कलर में यही करा था, मैंने रेड के साथ थोड़ा ब्लैक मिक्स करा इसलिए। और आप देख सकते हो गाइस, धीरे धीरे थोड़ा टेक्स्चर भी आ रहा है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप इससे भी अच्छी बना सके। तो अब मैं इसमें रेड कलर चूज दे रहा हूँ और आपको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है पूरा, मतलब ये ना लगे कि आपने ब्रश का भी यूज़ करा है, बस आपको इसी का ख्याल रखना है। और हमें इसमें पानी का भी यूज़ करते रहना है, बाकी टेक्स्चर का गाइस आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्चर देने की कोशिश करें। अब गाइस, हम यूज़ करने वाले हैं ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन। आपको गाइस जहाँ दिखे कि मतलब आपको शीट पहले थोड़ी सी मतलब
भिगा लेनी है, उसके बाद आपको इस तरह कॉम्बिनेशन यूज़ करना है ताकि बाकी काम, बस आपको एक लाइन खींच देनी है, बाकी काम आपका जो है वो पेज अपने आप कर देगा। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा जब कोई हम किसी भीगी शीट पर कोई कलर चलाते हैं, कोई सा भी मतलब वाटर कलर हो, तो वो अपने आप ही मतलब पूरे स्प्रेड कर लेता है, मतलब अपने आप ही वो कलर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है पूरी शीट में। तो यही मतलब टेक्निक यहाँ भी आपको यूज़ करनी है दिमाग लगाकर। बाकी आपको जो काम है वो पानी पे छोड़ देना है और हम थोड़ा वाइट करेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन गाइस अगर आप चाहो तो आप इससे अलग बना सकते हो, कि अगर आपका मन करे कि हमें जो सूंड है वो किसी और कलर की करनी है, तो वो खैर आपका मन है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी पेंटिंग डल है तो आपको बैकग्राउंड पहले करना है, अगर आपकी पेंटिंग जो ब्राइट है और आप उसमें पहले बैकग्राउंड कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। बाकी इससे कोई मतलब नहीं होता कि मतलब आप बैकग्राउंड पहले करो बाद में करो, वो तो आपका मन है, आप जब भी करो, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वो चीज़ देखो, आप किसी के देखा देखी मत करो बस। और अब आपको थोड़ा वाइट कर देना है, उसके बाद उसमें थोड़ा ब्लैक यूज़ कर लेना है। और वैसे देखो कितने अच्छे से मतलब जो शीट ने इस कलर को स्प्रेड कर दिया है, अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिया है। और थोड़े से स्ट्रोक्स हम नीचे ले आएंगे। अब गाइस हम करते हैं बैकग्राउंड इसका। तो गाइस बैकग्राउंड आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, थोड़ा सूखने के बाद करना पेंटिंग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले मैं सरफेस से पानी डाल रहा हूँ ताकि और अच्छे से जो कलर्स है फैले। अब गाइस इसमें आपको कलर डाल देना है कुछ तरह से, मैं ब्लू और ब्लैक और ग्रीन का यूज़ करूँगा, आप चाहे तो किसी कलर का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और देख सकते हो गाइस किस तरह से मतलब जो, और गाइस ऐसा करने से ना जो आपके जो ब्रश के स्ट्रोक है वो पता चलेंगे नहीं, क्योंकि बस आपको मतलब कुछ ड्रॉपलेट्स आपको मतलब लगा देने पानी के ऊपर, बाकी काम पानी का ही है, वो पूरी शीट पर उसको स्प्रेड कर देगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बस वो शीट को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ी दिक्कत की बात होगी, बस आपको इतना ही करना है। और गाइस तो मैं किस तरह से जो उसके छींटे हैं वो चारों तरफ फैला भी रहा हूँ ताकि जो टेक्सचर और उभर के आए। बस अब इसे देखने में इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो, बाकी का इस बनने के बाद तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो गाइस आपने देखा कितने अच्छे से मतलब मैं थोड़ा ब्राउन और ब्लैक भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि डार्क एरियाज में थोड़ा डार्क भी लगे। लेकिन गाइस जो पिक्चर में जो इमेज है ना उसमें ये पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, लेकिन मैंने सोचा अब ब्लैक बैकग्राउंड करेंगे तो दिक्कत जाएगी, क्योंकि पेज काफ़ी सॉफ्ट पेज है ये और ब्लैक कलर कम है, इसलिए मैं ये कलर चूज़ कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी पसंद है। ज़्यादा पानी और कम कलर्स का इसमें यूज़ होगा तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो गाइस फाइनली हमारा बैकग्राउंड है वो कंप्लीट होने वाला है, और मुझे पता है इसमें सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि इसके सूखने के बाद ही हम इसमें थोड़ी ब्लैक आउटलाइन कर पाएंगे। लेकिन मैं गाइस पूरा इसको ब्लैक नहीं करूँगा, मैं इसमें हल्की हल्की जो सतह है उस मतलब जो ब्लैक के साथ में ब्लू मिक्स करूँगा, ताकि पूरा ब्लैक आपको नहीं करना चाहिए किसी पेंटिंग में। और आप तो क्या किस तरह से मतलब मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है कलर पूरा ये। पहले आपको हल्के हल्के मतलब ब्लैक कर लेने हैं, उसके बाद आप उसको डार्क करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। गाइस सॉफ्ट शीट में बस यही दिक्कत होती है, इसकी शीट जो होती है मुड़ जाती है और किसी आउटलाइन करने में दिक्कत होती है। गाइस फाइनली कुछ इस तरह की जो हमारी आउटलाइन बन चुकी है, अब हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, और अब इसके कानों के जो कुंडल होते हैं वो बनाएंगे, अब साइन करते हैं इस पर। लेकिन वाइट कलर नहीं हो रहा, ब्लैक करना पड़ेगा, ब्लैक करते हैं इस पर, ब्लैक हो चुका है। संतोष 24073। और गाइस फाइनली कंप्लीट हो चुकी है हमारी पेंटिंग। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।